ये तीर मचलते नहीं घायल के लिए, पैर थिरकते नहीं पायल के लिए। जब से बसे हैं श्याम इन आँखों में, कोई तमन्ना बाकी नहीं काजल के लिए, कोई तमन्ना बाकी नहीं काजल के लिए। या अनुरागी चित की गति जाने न कोई, जो जो बूझे श्याम रंग क्यों तो उज्जवल होई, क्यों तो उज्जवल होई। कि जब मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाई, जा मैं दो न समाई। कि रास रासेश्वर पूर्ण पुरुष, योगीराज योगेश्वर लीलाधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र अनुपम अलौकिक एवं अद्भुत है। श्री कृष्ण का अर्थ ही होता है जो कि हमें आकर्षित करता हो, जिसके अंदर कर्षण होता है और जिसका सामिप्य और सानिध्य हमें परम शांति और आनंद की ओर ले जाता हो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहलाया, वो लोक नायक थे। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में अगर सबसे ज्यादा किसी पर लिखा गया है तो वो है श्री कृष्ण, और हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोगों ने उन पर लिखा। और गीता का अनुवाद तो हम सब जानते हैं कि हर भाषा में विदेशों में भी हुआ है। तो मैं आपको कृष्ण के जीवन की तरफ ले जाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मन से सुनना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। कि एक अनुपम सौंदर्य पुंज है श्री कृष्ण, एक अतृप्त प्यास है श्री कृष्ण। जब भी बांसुरी बजती है श्री कृष्ण स्मृतियों में रमण करने लगते हैं, और लगता है कि एकदम से पास में आकर बैठ गए हैं और कानों में धीरे से कह रहे हैं कि मैं देवकी और वासुदेव का लाडला ही नहीं, मैं यशोदा और नंद का दुलारा ही नहीं, मैं हलधारी बलराम सुभद्रा और गज सुकुमार का सहोदर ही नहीं, मैं ब्रज बालाओं का चित जोर ही नहीं, मैं ब्रजवासियों का रास रचैया धेनु चवैया ही नहीं, मैं गायों को चलाने वाला गोपाल ही नहीं, मैं गोपियों की मटकी फोड़ने वाला नटखट काना ही नहीं, मैं कालिया मर्दन और पुतना वर्त करने वाला बाल सूरवीर ही नहीं, मैं गोवर्धनधारी ही नहीं, मैं गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाला आज्ञाकारी शिष्य ही नहीं, मैं सुदामा का बाल सखा ही नहीं, मैं राधा का सांवरा ही नहीं, मैं ब्रज छोड़कर मथुरा की तरफ जाने वाला सत्य की राह का राही ही नहीं, मैं मामा कंस जयदत्त शिशुपाल आदि को दंडित करने वाला मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, मैं कुबड़ा को ठीक करने वाला कुशल चिकित्सक ही नहीं, मैं बुआ कुंती का प्यारा भतीजा ही नहीं, मैं द्रौपदी का रक्षक सखा ही नहीं, मैं रुक्मणी सत्यभामा लक्ष्मणा कालिंद्री सत्या जामवती मित्रविंदा और भद्रा आदि पटरानियों के सर का ताज ही नहीं, मैं मत्स्य वारा कश्यप परशुराम श्रीराम श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार जो कहते हैं हम, और वामन अवतार नरसिंह अवतार और जो अंत में होगा बुद्ध अवतार और कलगी अवतार ही नहीं, मैं पार्थ का सारथी ही नहीं, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट चमत्कारी विराट स्वरूप ही नहीं, मैं महाभारत युद्ध का नीति निर्देशक ही नहीं, मैं गीता द्वारा दुनिया को अनुपम ज्ञान देने वाला दार्शनिक चिंतक ही नहीं, मैं द्वारका में स्थित यादव कुल श्रेष्ठ ही नहीं, मैं प्रभा क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी ही मृत्यु सांझ का प्रतीक्षा रक्त युग पुरुष ही नहीं, बल्कि जैसे मैं मीरा का गिरधर हूँ, पुंडरीक का पांडुरंगा हूँ, केवट की करदास हूँ, प्रहलाद की भक्ति हूँ, नरसिंह की पुकार हूँ, सबरी का बैर हूँ, सूर का हृदय हूँ, वैसे ही मैं तुम सबका भी लड्डू गोपाल हूँ। आओ जीव प्रकृति के बीच जीवन के इस खेल में तुम्हारी आत्मा पर लगे हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर करने में तुम्हारा अभिन्न सखा हूँ। आओ मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंग लो। जो भक्त मुझे जिस रूप में याद करता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तो जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आइए आज हम प्रण करते हैं कि अपने अंदर छिपे हुए विकारों का विसर्जन कर
अपनी आत्मा रूपी मंदिर को शुद्धि की सजावट से सजाएंगे, संवारेंगे और अपनी इस आत्मा को उस परम पिता की आत्मा के साथ एकाकार कर देंगे, एकाकार कर देंगे। क्योंकि भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्त भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति